हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट अपने फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स अपने विदाउट कैरी वाला सब्सट्रैक्शन समझे थे। अभी हम कैरी वाला सब्सट्रैक्शन समझेंगे। कैन यू हेल्प नबीला? नबीला को आप हेल्प करिए। नबीलास मदर सेंट हर टू मार्केट। नबीलास मदर सेंट हर टू द मार्केट। उनके मम्मी ने उनको मार्केट भेजा टू बाय सम थिंग्स, कुछ परचेज करने के लिए। सी गेव हर रुपीज 245। नबीला के मामा जो थे उनको 245 रुपीज दिया था। नबीला बॉट 1 kg घी। 1 kg मीन्स 1 kg। kg इज द शॉर्ट फॉर्म और उसका फुल फॉर्म क्या है? किलोग्राम। 1 kg घी उन्होंने 127 रुपीज के हिसाब से परचेज किया। उसके मामा ने उनको कितना दिया था? 245 रुपीज दिया था और उनको क्या, 1 kg घी 127 रुपीज का उन्होंने परचेज किया। द शॉपकीपर गेव हर बैक रुपीज 98। शॉपकीपर क्या हुआ, उनको 98 रुपीज रिटर्न किया। डिड द शॉपकीपर गिव हर द राइट अमाउंट? आपको लगता है कि शॉपकीपर जो है उनको करेक्ट अमाउंट रिटर्न किया? उनकी मम्मी ने उनको 245 रुपीस दिया था, उन्होंने 1 kg घी 1 kg घी 127 रुपीस में परचेज किया, खरीदा। और दुकानदार ने क्या हुआ, उनको 98 रुपीस रिटर्न किया। तो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के दुकानदार ने सही अमाउंट उनको रिटर्न किया? ओके, लेट्स डिस्कस। सो स्टूडेंट्स, चलो अभी हम लोग ट्रायल करके देखते हैं, कोशिश करते हैं कि शॉपकीपर जो है उनको 98 रुपीस दिया था, सही दिया था कि गलत दिया था। ओके, नबीला के मम्मी ने उनको कितना दिया? 245। 1 का प्लेस में 5, 10 का प्लेस में 4, 100 का प्लेस में 2। ओके, उन्होंने परचेज कितना किया? 1 kg घी का 127। 1 का प्लेस में 7, 10 का प्लेस में 2 एंड 100 के प्लेस में 1। तो अभी हम इसको ये 245 जो अमाउंट था उसको अगर 127 सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो फिगर आएगा, अगर 98 आएगा तो उन्होंने सही दिया, 98 नहीं आएगा तो शॉपकीपर ने उनको गलत पैसा दिया है, शॉपकीपर ने उनको चीट कर लिया। तो अब क्या करेंगे, 245 है, ऊपर क्या है 5 है और नीचे 1 के प्लेस में 7 है। सो वी कैन नॉट टेक 7 फ्रॉम 5। 5 में से 7 को कभी भी माइनस नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वहां से 10 के प्लेस में से 10 बोरो करेंगे। लुक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे जब हम 10 बोरो करते हैं तो यहां पे पहले कितना है 5, 10 बोरो करने के बाद कितना हो गया 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, इसमें से अभी यहां पे 15 हो गया, 15 में से अभी आप क्या करो, यहां पे 10 बोरो किया तो 15, अभी आपने को 1 प्लस में 15 हो गया, नीचे कितना है 7, ये जो 15 है उसमें से 7 माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अभी यहां से हमने 10 के प्लेस में 4 यानी कि 40 होता है, हमने 10 यहां पे बोरो कर लिया है तो बचा कितना 3 यानी कि 30। ओके, 3 बचा है, नीचे कितना है 2, 20 मीन से 10 का प्लेस में अभी 3 और नीचे कितना है 2, 3 में से 2 जाने से कितना बचा 1 एंड 2 में से 1 जाने से 1, 1 1 8। 1 का प्लेस में 10 का प्लेस में 1 एंड 100 का प्लेस में 1, यानी कि उनको कितना रिटर्न करना चाहिए शॉपकीपर को, 118 रुपीज। बाकी शॉपकीपर ने क्या किया था, उनको ओनली
98 रुपीज से रिटर्न किया था। तो स्टूडेंट्स शॉपकीपर ने चीट किया, तो एक्चुअली उनके पास कितना फिगर होना चाहिए 118 रुपीज। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, जब नीचे वाला वंस का फिगर से ऊपर वाला जो फिगर अगर छोटा हो तो हम बोरो कर सकते हैं, कैरी करके यहाँ पे माइनस करेंगे। लुक स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पूरा क्लियरली दिया गया है, फ्रॉम 15 टेक अवे 7 इज ओनली 8 इज लेफ्ट। 15 में से हम जैसे आपको बताए थे 15 में से 7 जाने से 8 बचा, एंड नाउ टेक अवे 10 ओनली 1 लेफ्ट। ओके, 3 में से 2 जाने से 1 यहाँ पे आ गया और 2 में से 1 जाने से 1 यहाँ पे आ गया। सो द शॉपकीपर हैड टू गिव नेबिला रुपीज 118। तो शॉपकीपर को कितना 118 रुपया उनको रिटर्न करना चाहिए, लेकिन उन्होंने दिया था 98 रुपीज। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ द प्रैक्टिस टाइम, चलो प्रैक्टिस करते हैं। बेबी टोटाइस इज 33 ईयर्स ओल्ड। टोटाइस समझते हो ना, कछुआ। बेबी टोटाइस की उम्र जो थी वो 33 ईयर्स थी, एंड मम्मी टोटाइस इज 150 ईयर्स। और उसके जो मम्मी थे, बेबी टोटाइस की उम्र 33 थी और मम्मी टोटाइस का 150 ईयर्स था। हाउ मच यंगर इज बेबी टोटाइस देन द मम्मी टोटाइस, यानी कि मम्मी टोटाइस से बेबी टोटाइस कितने साल छोटे हैं, क्या करना पड़ेगा। 150 माइनस 33, एज ऑफ मम्मी टोटाइस 150 ईयर्स, एज ऑफ बेबी टोटाइस इज 33 ईयर्स। सो हियर यू विल राइट 150, 1 के प्लेस में 0, 10 के प्लेस में 5 और 100 के प्लेस में 1। और बेबी टोटाइस का कितना है, 33 ओनली है, तो 1 का प्लेस में 3 और 10 का प्लेस में 3। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, 0 में से 3 नहीं आएगा तो हमको क्या करना है, 10 यहाँ पे बोरो करना है 10 के प्लेस में से। तो यहाँ पे कितना हुआ, 0 था तो कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, तो 10 में से 3 जाने से कितना बचा, 7। ओके, 10 में से 3 माइनस करो तो कितना बचा, 7 बचा ना, 7। ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पहले 5 था, 10 बोरो कर लिए हैं, अभी कितना बचा है यहाँ पे, 4। तो 4 में से 3 जाने से 4 में से 3 जाएगा तो कितना, 1। 4 में से 3 जाने से 1। और पहले ही 100 के प्लेस में कुछ नहीं था क्योंकि बेबी टोटाइस का जो उम्र था 33 था, तो 1 को डायरेक्ट यहाँ पे ले लिए, तो बेबी टोटाइस का एज कितना हुआ, 117 यंगर। तो बेबी टोटाइस जो है वो अपनी मम्मी से 117 यानी कि 117 साल कम उम्र के हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन, अरविंद हैज रीड 69 पेजेस ऑफ ए स्टोरी बुक, गौरी हैज रीड 95 पेजेस ऑफ दैट स्टोरी बुक, हु हैज रीड मोर पेजेस एंड हाउ मेनी बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक स्टोरी बुक था जिसमें से अरविंद उसी बुक्स में से 69 पेज पढ़ाई किए थे और गौरी 95 पेजेस पढ़ाई किए थे। अरविंद 69 पेज और गौरी 95 पेज, तो गौरी तो ज्यादा पेज पढ़े, लेकिन कितना पेज वो ज्यादा पढ़े उस चीज को हम स्टडी करेंगे। लुक, गौरी हैज रीड 95 यानी कि 1 के प्लेस में 5, 10 के प्लेस में 9। अरविंद कितना पढ़े थे, 69। सब्स्ट्रैक्ट माइनस 1 के प्लेस में 9, 10 के प्लेस में 6। तो चलो लेट्स डू, अभी उसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पे 5 है, नीचे 9 है, तो 5 में से 9 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 बोरो करेंगे।
10 बोरो करेंगे तो 10 प्लस 5 कितना हुआ, 10 प्लस 5 यहाँ पे आ गया 15, 15 में से क्या करेंगे अभी यहाँ पे हम 9 माइनस करेंगे, 15 में से 9 माइनस करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओके 10 बोरो किए तो यहाँ पे कितना हुआ, 15 हुआ। अब उसमें से हमको 9 माइनस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमारे पास कितना बचा स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आंसर कितना आया 6। अभी हमने यहाँ से क्या किया है, 10 बोरो कर लिया है तो यहाँ पे कितना बचा है 10 के प्लेस में 8, 8 में से 6 माइनस करिए, सिंपल, यस कैलकुलेट, 8 में से 6 माइनस करो तो आपके यहाँ पे 2, 26 पेज, यानी कि गौरी ने अरविंद से 26 पेज ज्यादा पढ़ाई किए थे। ओके स्टूडेंट्स, जब 1 के प्लेस में फिगर छोटा हो और नीचे आपकी फिगर बड़ा हो तो आपने को 10 बरो करके यहाँ पे माइनस करना है। ओके स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन, हैव ए गुड डे।